नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है जी आपके अपने जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेकर के आ रहे हैं जी डाणा खुरद हिम्मत भाई के यहाँ से, जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो में आप भाइयों को बहुत ही जो शानदार जो पशुधन है वो दिखाएंगे भाई। इससे पहले जो भी पशुपालक भाई वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। पूरी की पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे मिलेंगे। बार बार स्वागत है हिम्मत भाई का। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जय सिंह भाई, सारे देशवासियों को हाथ जोड़ के राम राम। और जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो आज कितने पशुधन हैं? 10 भैंस तो अपनी हैदराबाद जाएंगे। अच्छा, 10 भैंस हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद जाएंगे जी। और बिक्री वाली कितनी है? बिक्री वाली भी है। बिक्री वाली भी है। तो पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? मर्जी कहीं से कर। अच्छा, तो एक नंबर यहीं से शुरुआत कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? ये सेकंड टाइमर है। अच्छा, 7-8 दिन की ब्याई है। दूसरे ब्यात में 7-8 दिन की ब्याई हुई। हाइट और लंबाई और सबसे अहम बात आ जाती है अडर के ऊपर। ये देखे जी, बहुत ही जोशीला जो अडर लिए हुए है, दोहरे अंगूठिया थन सफेद वगैरह है वो आप देखें। लंबाई और ऊंचाई बहुत ही शानदार और प्लस पॉइंट साथ में कटड़ी नजर आ रही है। कटड़ी है ना भाई साहब? कटड़ी प्लस पॉइंट जो साथ में कटड़ी है, बहुत ही जबरदस्त जो मुर्रा का जो पशुधन यहाँ पे देखने को मिला। थोड़ा खोल करके चलाइए भाई साहब। जो ऑर्डर है ये देखे जी, बहुत ही कम पशुधन में देखने को मिलता है। लंबाई देखें, ऊंचाई देखें, तो कई दिन, 5-6 दिन की ब्याई है क्या? ना, एक सप्ताह की। एक सप्ताह की ब्याई है। तो कितना दूध है जी मौके पे एक सप्ताह की ब्याई में? भाई मेरे हिसाब से तो अभी जो मालिक ने बताया और जो दूध निकल रहा 15 किलो तो होगा। 15 किलो दूध होगा। शायद दांत भी कोनी भरे होंगे, एक बार दांत दिखा। अच्छा, देखिए दिखाइए भाई सब। दिखाएंगे एक बार मेरे हिसाब से तो, क्यों मालिक का होता, ताकि पूरी की पूरी संतुष्टि हो जाए। और निकाल लिए क्या दांत पूरे भर? हाँ, दांत 8वें दांत निकालती हुई है। पूरे भर ही दांत जी। सेकंड टाइमर मुर्रा का जो पशुधन यहाँ देखने को मिला, तो ये बिक्री के लिए है या सेल होकर के जा रही है? बिक्री के लिए भाई, बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो क्या कुछ मोल भाव है जी इसका? इसका मोल भाई जैसे तरफ 1,65,000 की दे दे। 1,65,000 की। कितना दूध निकाल देगी रोटी भाई? और बिरा को नहीं मारे दो, 20 किलो निकाल देगी। 20 किलो निकाल देगी बिल्कुल। तो ये भाई 3 किलो ही तो आज भी गाड़ी होगी जो। अच्छा अच्छा, तो 15 किलो लमसम का तोल का तैयार है। लीटर का तो दूध दे नहीं होता जागा तो। बिल्कुल सही बात, कांडे का तोल का दूध की बात कराए जी जी जी। और जो झोटी के बारे में तो जितना कम उतना कम है, जो पुट्ठा है पहली बात तो ये पुट्ठा है को नहीं पाना जी जी जी। इतना चौड़ा पुट्ठा जी, बहुत पतली चमड़ी है बिल्कुल कागज भर की जी जी जी। और जो ऑर्डर है ये लिए जी भाई, भी दो टाइम दूध, तीन टाइम दूध काट ही ले जा, अगर 100 ग्राम भी दूध घट जाए तो मैं फ्री छोड़ देंगे जी बिल्कुल। आज तक देखो भाई हिम्मत भाई की कहीं पे भी शिकायत हमने नहीं सुनी है। और आगे से देखे जी थनों का गैप और आगे सुंडी जो अडर लग गया हुआ जी, बहुत ही शानदार दोटी है। पीठ है ये देखे जी, किसी भी प्रकार से जो कमर वगैरह में लेद वगैरह है इस पशुधन में नहीं ब्याई हो जाएगी ना जोटी जी। जिस दिन में नहीं ब्याई हुई जोटी उस दिन दिखाओगे आपका रोड जी जी पूरा। और अपना तो वैसे मेरे भाई थोड़ा प्रॉफिट पे काम है, लाए बेच दी लाए बेच दी। दो नंबर पे एक और जो मुर्रा का पशुधन, इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? यह खीस से खाली करिए। अच्छा, खीस से खाली होती है जी। तो कौन से ब्यात में है यहाँ? इन्हें तीसरा चौथा कुछ भी मान लो, अगला तीसरा कही थी, चौथा मानियो, तीसरे माने या चौथे माने। तो किस से खाली होती में कितना दूध है जी? 12 किलो। 12 किलो दूध मौके पे तैयार है, किस से खाली होती है? कितना दूध दे देगी जी? 17-18 किलो। 17-18 किलो दूध निकाल दी। इसका क्या कुछ मोल भाव है? मोल जय सिंह भैया दे देंगे 1,45,000 की। 1,45,000 की जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाइट लेंथ देखें, पीठ पुट्ठा आप देखें, का गैप भी देख, जो थनों का गैप वगैरह है आप का थन वो देखें। और जो पशुधन जितना भी है आप भाइयों को थनों पे उतरा हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल पतली बिल्कुल बारीक चमड़ी का, अच्छा तो चौड़ी आगत पतली बहुत, और मुट्ठी का थन है जो थन सिलेक्शन आपका बहुत ही अच्छा है जी। तो खीस से खाली होते हैं 12 किलो से उठी कांडा तोल का तैयार। अच्छा, काटे का तोल का 1,45,000। तो तीन नंबर पे एक जो और मुर्रा का पशुधन, इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? ये पहले ब्याह की जोटी। अच्छा, कई दिन की ब्याई होगी? होगी ब्याई या 10 दिन की? 10 दिन की ब्याई होगी। दूध निकल रहा है इसका? अच्छा, दूध निकला हुआ है, दूध निकल रहा है। ये देखे जी, दूध निकला हुआ है, थनों का सफेद है काफी अच्छा। तो फर्स्ट टाइमर है ना? फर्स्ट टाइमर, जोश बहुत है, चस्के खड़ी हुई। अच्छा अच्छा,
दूध निकल चुका है जी इस पशुधन का, बाकी पशुधन बहुत अच्छा है, थड़ों का गैप है वो आप देखें। बच्चा क्या है जी साथ में इसके? साथ में कटड़ी है। तो कितने दिन की ब्याई होगी ये? 10 दिन की। 10 दिन की। दूध कितना जी? 10 किलो। 10 किलो दूध, 10 दिन की ब्याई, 10 किलो दूध मौके पे तैयार कट्टे तोल का। हाँ। जी तो इसका क्या कुछ मूल भाव जी? 90,000 रुपये। केवल 90,000 रुपये? हाँ। जी बहुत ही बढ़िया। एक और जो 4 नंबर पे जो मुर्रा का जो पशुधन, बिल्कुल छोटा सींग, लंबाई देखे, पीठ पुट्ठा देखे, और जो एडर है ये देखे थी 2.5 किलो की गाड़ी भी आज। 2.5 किलो की गाड़ी है। हर की जोटी, दांत भी कोने भरी, दांत भी दिखाओ। अच्छा अच्छा। हाँ 2.5 किलो की गाड़ी खोल के दिखाओ जी। अपनी किसे में इसके सिंगार कोने पावे, नई मोरी कटिंग ना सिंगार ना कुछ, नॉर्मल है जी। जी जी बिल्कुल नॉर्मल है। 2.5 किलो की गाड़ी जो ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अपना हर पशु पीछे से चौड़ा के से पतला भी शेप में पावा जी। एक मिनट दिखा दे फिर दांत दिखा। कई दिन की ब्याई होगी ये? या 10 दिन की ब्याई हुई को नहीं? अच्छा 10 दिन की ब्याई नहीं हुई है, तो 7-8 दिन की होगी। जो सिलाडर चस्के खड़ी हुई है जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो सिलाडर लिए हुए। तो है तो दूध कितना जी मौके पे? मौके पे 12 किलो। 12 किलो मौके पे तैयार है। तो इसका क्या कुछ मोल भाव है? 1,16,000 रुपये। 1,16,000 रुपये। ये देखिए जी, 1,16,000 रुपये और 10 किलो दूध, 12 किलो दूध मौके पे तैयार है। दांत दिखाएंगे जी, और दांत और चेक करा दे जी। जितना हो सके उतना संतुष्ट जो कराने की कोशिश जरूर करते हैं। मुँह से 4 दांत है, कोई भी भाई अपना आकर के संतुष्टि कर सकता है। जो सिलाडर का जो पशुधन बहुत ही बढ़िया, नस नस भी परली तरफ से काफी ऊपर गया नहीं, काफी काफी साफ सुथरा पशुधन, जितना भी पशुधन रखते हैं साफ सुथरा ही रखते हैं जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो 5 नंबर पे फुल हाइट लेंथ का जो पशुधन यहाँ पे देख पा रहे हैं जी, तो इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? इसके नीचे मौके पे 18-19 किलो दूध, 18-19 किलो दूध मौके पे तैयार है। कौन से ब्यात में है जी? तीसरा चौथा कुछ भी, तीसरे चौथे कुछ भी मान सकते हैं। एक सिंह की खोलची जरूर उतरी हुई है। जो अडर है आप भाइयों को दिखा देता हूँ भाई, पीछे से जो थनों का गैप है ये देखिए जी, बहुत ही जोशीला अडर लिए हुए है जी। तो वी शेप की जो टिप मैं से बिल्कुल 17-18 किलो दूध मौके पे तैयार है। कितने दिन की ब्याई होगी जी ये? ये ब्याई होगी 10-12 दिन की। अच्छा 10-12 दिन की। तो कहाँ पे? हैदराबाद जाएगी, अपना दोस्त है मोहम्मद आमिर सऊदी अरब रहते है। जी 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 बहुत ही बढ़िया। तो मोल भाव बताओगे भाई सभी? ना इकट्ठी दे रखी। अच्छा इकट्ठी दे रखी, इकट्ठी वहाँ पे बिक्री का काम है? ना ना दूध का काम। अच्छा दूध का काम, मन नहीं इकट्ठी ना, कोई भैंस आपने पता फील्ड में कोई महंगी कोई सस्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इकट्ठी दे जी। तो ये वाली जी इसकी क्या कुछ डिटेल है? यह भी तीसरे ब्यांत की है। अच्छा अच्छा। मौके पर आज फिलहाल इसके नीचे भी 14 किलो रेडी दूध तैयारी, 14 किलो रेडी दूध खोल के तैयार है। काफी अडर है, बहुत ही बढ़िया। जो नशे हैं अडर पे उभरती हुई, ये भी काफी अच्छी जो इस पशुधन में देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया। चेहरा मूरा है वो देखे जी, ये देखे जी, बहुत ही बढ़िया। मोटे मोटे नशे हैं वो, बहुत ही बढ़िया जी। तो कौन से ब्यात में जिया? तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में है जी। तो दूध देगी मैं 17 किलो। 17 किलो दूध अंडा का तोल का देगी, बिल्कुल बहुत जोशीली भैंस है। तो ये भी सेल होकर की जा रही है? सेल होकर जा रही जी। तो इनका मोल भाव भाई साहब? एक साथ इकट्ठी दे रखी 10 भैंस। अच्छा एक साथ इकट्ठी 10 भैंस इकट्ठी? बता मैं आपने बता भी दूंगा। अच्छा अच्छा। मैंने टोटल माना थोड़ा फर्क है। जी जी जी। एक साथ जो ये इकट्ठी दे रखी है जो मोल भाव है, लास्ट में जरूर पूछ लेंगे भाई कितने की दी है। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? ये भी तीसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात में मौके पे दूध इस तरह भी 14-15 किलो 14-15 किलो रेडी है बिल्कुल जी, तैयारी का जी। खोल के दिखा दे रहे जी, बहुत ही जोशीला अडर की है। और सींग टूटा हुआ ना? एक सींग टूट रहा है जी, बहुत ही बढ़िया। दूध तो मतलब है, सिंगा तो कोई मतलब को नहीं, उन्हें दूध बेचना, सिंग को नहीं दिखाने। अच्छा सिंग नहीं देखना। अगर इससे यो लोटा छोटा सिंग को तो रेट काफी बढ़ जावे जी। और उन्हें सिंग तो प्रॉफिट को नहीं, उन्हें दूध से प्रॉफिट लेना जी, है जी, 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 जी। दूध से प्रॉफिट लेना है जी, बिल्कुल। जो पुट्ठे की चुड़ाई लंबाई काफी अच्छी, सिंगों में क्या दूध निकलता, दूध दूध का कारोबार, उनका दूध का बिजनेस है, दूध का है। जवान पशु है, काफी अच्छा दूध देगी जी। दोरे मोटे थाना मोटी दार जी, 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 जी। मोटे तो दार। एक और जो मुर्रा का पशुधन ये देखिए जी, बहुत ही जोशीले अडर की, बिल्कुल पैरों के बीच का टाइट अडर लिए हुए है जी। फुल हाइट लेंथ जो पीठ है ये देखिए जी, इस पशुधन की बहुत ही कम देखने को मिलेगी, इतनी चौड़ी पीठ है, एक नंबर की पहलवानी दा ठुके ठुका शरीर की जी। सींग जरूर खुला नजर आ रहा है, लेकिन बॉडी वेट में बहुत ही शानदार तो पशुधन यहाँ पे देखने को मिला भाई। ये देखे जी, चेहरा मुरा बहुत ही बढ़िया,
पहलवान की तरह ठुक रहा गाइडर ऊपर कमर देखा पीठ देखा ये देखिए जो पीठ है काफी चौड़ी पीठ देखने को मिली। ले भाई तो कितना दूध है जी इसमें? 14 किलो दूध मौके पे तैयार है। और जो पशुधन है इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? ये भी तीसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात में जी ये भी बिल्कुल टाइट अडर की है। कच्ची भी आई है जी बिल्कुल। ये देखे जी बिल्कुल टाइट अडर पीठ पुट्ठा बहुत। तो कितना कितना दूध है जी इसमें? खींचते खाली होंगे 12-13 किलो। 12-13 किलो दूध से उठिए जी। अडर बहुत सॉलिड टाइट अडर की है जी जी बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल ठुका ठुका आगात है। ये कौन है ये उंगली? जितना भी पशुधन भाई लेके आते हैं साफ सुथरा और जो दूध वाला जो पशुधन का जो सारी अपनी चौड़ी आगत है पतली जी जगह। ये देखिए जी बहुत ही वजनदार जो पशुधन भाई भाई ने लेकर के ये उपलब्ध करवाए हैं। जो इनका रेट है मोल भाव है वो भी भाई से जरूर पूछ लेंगे। परली साइड भी है क्या? हाँ परली साइड। अच्छा 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 की क्या कुछ डिटेल है जी? ये दूसरे ब्यात की है। अच्छा अच्छा मौका पे 12-13 किलो रेडी है दूध तैयार है। 12-13 किलो दूध तैयार है बिल्कुल तैयार है। कितने दिन की ब्याई हो? छोटी थोड़े साइज में थोड़ी इन और बहसान देखिए साइज में छोटी है लेकिन दूध में बढ़िया नहीं फैल करे। केयर थोड़ी कम हो रही है ना इसकी? पिछला मालिक ने कोनी केयर कर रखी जी जी। बहुत ही स्पेशल जो अपना दोस्त है उसकी अच्छी केयर है। इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? यह भी दूसरे ब्यात की जोटी है। अच्छा अच्छा खीस से खाली है जी। खीस से खाली है? खीस से खाली जी। खोल के दिखा दी जी। बहुत जोशीले ऑर्डर की जो है जी जी जी। खीस से खाली है या जी? तो खीस से खाली कितने खीसे खाली होती है? कितना दूध है जी इसमें? कल ही बच्चा दिया था। अच्छा मेरे बिल्कुल खीस से खाली। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल छोटा सींग हाइट जो माध्यम और नीचे का जो सिस्टम है ये आप देखें। इस पशुधन की क्या कुछ डिटेल है जी? ये पहले ब्यात की है। हाँ हाँ 6 दांत जोटी है मुंह से 6 दांत। 13 किलो दूध बिल्कुल रेडी है। अच्छा अच्छा तैयार है। पांचवा थन है क्या? हाँ पांचवा थन। अच्छा अच्छा तो पांचवा थन में दूध वगैरह तो नहीं आता होगा ना? आता है 100 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम आता है। 100 ग्राम जी मेरे भाई। ये लंबाई ऊंचाई की बहुत ही बढ़िया। केयर जरूर कम हो रही है थोड़ी ही। बहुत जोशीले अडर की है। ये देखे जी बिल्कुल टाइट अडर। तो कितना दूध है जी इसमें? इसमें 13 किलो। 13 किलो दूध मौके पे तैयार है। काफी लंबाई ऊंचाई की जोटी। और इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? ये सेकंड टाइमर खीस से खाली है। अच्छा खीस से खाली होती है। हाँ तीसरा चौथा दिन की ब्याई। सेकंड टाइमर कैंडी जोटी है जी। कैंडी है? कैंडी एक सिंग ऊपर है गोल है एक सिंग नीचे। कितना दूध इसमें? इसमें 13 किलो। 13 किलो दूध दूध देगी 17-18 किलो। अडर पे देखो नो जाल है। रोकना भाई इसको रोकना। थोड़ा आगे ले थोड़ा आगे ले साइड से। आप भाइयों को दिखा देता है। ये देखे जी जो नसों का जाल बहुत ही बढ़िया। कितना दूध निकाल देगी ये हिम्मत भाई? 16 किलो। 16 किलो दूध निकाल देगी। ये देखे जी बहुत ही बढ़िया। तो अब आ जाते हैं इनके मोल भाव। तो क्या कुछ हिसाब में ये उपलब्ध कराई है भाई? ये सारी नो मान के चलो मेरे भाई। आपने इनकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 1,15 से 20 के बीच में पड़ जाएगी। 1,15 से 1,20,000 रुपए के बीच में हाँ। पड़ेगी। इसमें 12 किलो भी आड़ी है और 12 किलो का 17-18 किलो सीधी बात। आपने 135 किलो दूध की गारंटी है। अच्छा 135 किलो 135 किलो की गारंटी है जी। अगले मर्जी भैंस निकाले 150-135 तो बाढ़ तो लगभग अपने नीचे ही भी है। अच्छा 1,15 से 1,20 के बीच। 1,15 से 1,20 के बीच में। तो अपना संपर्क सूत्र और बताएं। 98-131-17-54 और अपना डेयरी का पूरा एड्रेस और कंफर्म। ये जो डेयरी अपनी दो जगह है ना अपना डेयरी फार्म ये तो अपना आसी के पास ये में डाला गांव खुर्द में हाँ। मैं वीडियो कवर कर रहा हूं भाई जो आसी से 2-3 किलोमीटर चलते ही मेन रोड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अपना जो गांव है सीसर वो अपना यहां से 15-20 किलोमीटर दूर। तो भाई की जो वीडियो लेकर के आए और इतना जो कीमती समय निकाल जो अपना भाई है ना जी 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 उसको इनका जो दूध बता रखे भाई भी वीडियो देख रहे हैं लगातार लावी मिल्क ही दिखा रखी। मैंने 3 टेम इनकी। अच्छा 3 टेम। हाँ जी बस वैसे इस बार उसकी बातचीत हो जाती है दिखाने की। तो आज तक नो मालूम 6 साल से बहस जा रही है अपनी उसके पास में। तो सिर्फ एक बार ही आए सऊदी अरब रहते हैं। एक बार ही आए हैं जी। और सारा ऑनलाइन ही माल जाता है। ईमानदारी के ऊपर काम करेंगे तो लंबा समय तक अपना ही काम चलना है जी। और मोटे कमा लेंगे तो 1-2 बारी कमा पाएंगे। बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा जो पशुधन भाई ने दिखाया और ये जो 4 जोटियां हैं इस साइड में जो बंधी हुई हैं बहुत ही शानदार जो जोटियां हैं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। और जो रेट है भाई ने वो भी बता दिया। ऐसा ऐसा पशुधन
बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो रेट भाई ने बताया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, क्या गलत है या जायज है। जैसा मान के चलो वैसा सभी करनी चाहिए कोनी के बगैर दूध की, कई मनु माने चलो 15-16 किलो तो नॉर्मल दूध देंगी। जी कई भैंस दूध बहुत ही बढ़िया 15 और लीटर का तो अपना चक्कर ही नहीं है, लीटर का तो कम में कोनी, दूध किलो के हिसाब से जाओ बिल्कुल बढ़िया जाग के हिसाब से। एक एक भैंस का इतना है, एक किलो दूध भी 2 किलो दिखेगा मोटी धारणी का। जी चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। ओके।